गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः हनुमते नमः राम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म स्पिरिचुअल गुरुकुल यानी वेद वेदांत इत्यादि का अध्ययन, कर्मकांड इत्यादि का अध्ययन, ज्योतिष गुरुकुल यानी ज्योतिष इत्यादि का शिक्षा, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल। मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा। भाई मेरे प्यारे प्यारे मकरू मकरा मकरी, बड़े खुश हो, नेचुरली खुश तो हो गई, बड़ा ट्रैफिक घट गया है मकरू लोगों का, और बड़े से मकरू हमें भूल गए। अच्छा बात है, आशीर्वाद। हम भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, अभी मटका वाले, कुंभ वाले, मछली वाले, मीन वाले पीछे पड़े हैं, उनके लिए अलग चैनल खोल दिया हूँ। उधर जाओ, उधर देखो, हमारा मकरू मकरू का काम मत, हम लोग ठीक हैं। इधर मकरू वालों का काम इधर इस वीडियो में चलते, इस चैनल में चलता है। जय मकरू जी की जय हो। तो भाई अगस्त महीना ख़त्म, सेप्टेम्बर शुरू, कैसा लेके आ रहा है? 5% को छोड़ दो, उनका कुंडली बिगड़ा हुआ तो हम क्या करें भाई, साधस नहीं किया तो हम क्या करें भाई। एक महात्मा का पूजा कराए थे तो बोलता है कि हम इतना सारा पूजा कराए क्या फ़ायदा हुआ। मैं बोला देख, सेम कुंडली तेरा बेटा मरते मरते बचा है, पति मरते मरते बचा है, क्योंकि तेरा पूजा हुआ था, ग्रह शांति हुआ था, सेम कुंडली दूसरा का तो ख़त्म हो गया। हो साहब, बोला हाँ हाँ गुरु जी, ठीक बात है, ठीक बात है। हमको भी लगा कि कोई शक्ति तो है जो ऐसे दुरवस्था से बचाया है। बोले ऐसे आचार्य संजय कहीं जाता नहीं है, किसी का पूजा करता नहीं है, या बिना मतलब का किसी को खर्चा नहीं कराता है, दिखता है कि बड़ा समस्या है, चारों तरफ से देख लेता है तभी जाके उंगली करता है, वरना उंगली नहीं करता। बोला हाँ गुरु जी, माफ़ कर दो, माफ़ मारेंगे लपड़, माफ़ क्या करेंगे तुमको बेमान सिंह यादव। चलो कोई बात नहीं मकरू, एग्जाम्पल दे दिया तो 5% का गारंटी अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बाकी 95% इस मंगल के गोचर के बाद मैं कहूँगा कि शनि साढ़े साती 95% ख़त्म बोल के समझो। आगे चल के इस सितंबर के महीना में एक बड़ा पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। नेगेटिव को अगर कहेंगे तो हाँ कुछ, किनका, जिनका कर्क लग्न मकर राशि हो, तुला लग्न मकर राशि हो, मेष लग्न मकर राशि हो, ये केंद्र वालों का थोड़ा सा पीड़ित अवस्था दिख रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं। अच्छा, पीड़ित भी किस बारे में? मन में बड़े सारे कामना भावना वासनाएं जागेंगे, लभरा लभरी पुराना याद आएंगे, बीबी विवाह का बारे में टिंगी टंगा मन में लड्डू फूटेगा, यही हो सकता है, ये है नेगेटिव पार्ट। बाकी कैसा रहेगा सितंबर का महीना, इसके ऊपर अगर चिंतन करें तो अच्छा। ये इन चारों का गलत क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया, कर्क के अष्टम में शनि, तुला का पंचम में पनौती शनि, मेष के लिए शनि का दृष्टि, लग्नाधिपति तृतीय में, लग्न के लिए बोल रहा हूं, तो लग्निक सपोर्ट यहां पर थोड़ा सा घट जाता है। राशिगत लेवल पे तो कच्चे पुओ 12 पांच उंगली घी में बढ़ो आगे ही आगे। नहीं, कुंभ लग्न भी हो तो द्वादश का चंद्र मकर राशि नो प्रॉब्लम चलेगा। हाँ, अगर नवमास में चंद्रमा आपका गलत जगह में बैठ गया तो फिर नहीं कह सकता। और इस समय शनि बाबा भी बकरी होते हुए बैगियर लगाते हुए सतभिषा के तरफ संपद में, तो यहां रिपीट जब आता है शनि तो शोक तो देगा ही, तो शोक देगा तो क्या चीज का देगा? जिस चीज आपसे गवा हुआ है साढ़े साती के दौरान, पुराना लभरा लभरी का धोखा धोखी, पुराना प्रेमा प्रेमी का धोखा धोखी, इसने क्यों ऐसा कर दिया था, ऐसा नहीं करता तो नहीं होता, ऐसा क्यों कर दी थी, नहीं करता तो नहीं होता, कब तक मिल जाएगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो रिलेशनशिप लेके एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप होगा। नेक्स्ट मकरू के लिए प्रॉब्लमेबल फैक्टर कहां दिख रहा है? देखो प्रॉब्लमेबल फैक्टर
अच्छा पहले डिस्कशन कर लेते हैं फिर, नहीं चलो निकल रहा है तो निकलने दो। प्रॉब्लमल फैक्टर यहाँ दिखाई देगा कि दो घर थोड़ा सा देखो पीड़ित दिखाई दे रहे हैं मकरू के लिए। एक माँ का घर हो गया, कौन सा? भूमि भवन वाहन माता सुखमन फोर्थ हाउस, माँ का घर। माँ का घर से अधिपति चला कहाँ? छठा में मामा के घर में, मंगल करे दंगल। तो मामा के घर तरफ से कुछ ना कुछ समस्या बिल्डअप होना, मामा का स्वास्थ्य, मामा का टाटा बाय बाय, या मामा का लेवल पे कुछ ना कुछ झमेला बिल्डअप हो सकता है, लेकिन उतना नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ मिलने का भी संभावना है। दूसरा क्या? अब देखो तृतीय स्थान मीन राशि, आपका बहन छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी कम्युनिकेशन अपने से तृतीय में चला गया तो कहाँ गया? आपका पंचम स्थान में चला गया, आपका संतान। ओके, तृतीयाधिपति के संतान का घर, बात समझ में नहीं आएगा, ऊपर से भाग जाएगा, वहां राहु का दृष्टि, तो भांजा और मामा दोनों पीड़ित रहेंगे थोड़ा सा, ये कंडीशन है। और अगर आपका वही फिर मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न के साथ मकर राशि का कॉम्बिनेशन है तो मामा भांजा का साड़ी दुकान खोलना पड़ेगा आपको। हमारे जिरपानी में एक दुकान है मामा भांजा साड़ी दुकान, भाई मामा भांजा साड़ी में क्या करेंगे, लेकिन दुकान है, बड़ा फेमस है दुकान। अच्छा, उसको भी हम सुंदराकांड पाठ करा करा के दुकान करवा दिए तो चल रहा है उसका बढ़िया से, मेरा जितना दान देखना उसी दुकान से चलता है मामा भांजा वाला। तो मकरू वालों का यहाँ मामा भांजा में थोड़ा प्रॉब्लम है, बता दिया। आगे देखते हैं क्या मकरू हेल्थ कैसे रहेगा। लग्नाधिपति द्वितीय में मंगल का उच्च दृष्टि, गुरु बृहस्पति का दृष्टि, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड गोगो अच्छा है, लेकिन जिसका शनि का महादशा पीड़ित अवस्था में चल रहा हो, सिंह लग्न का व्यक्ति हो, थोड़ा बीमारी दिख सकता है, ये दिख रहा है। तो इस कंडीशन पे दूसरा वृश्चिक लग्न का हो, मीन लग्न का हो और मकर राशि का हो, थोड़ा बीमारी तो बनता है यार, ऐसा कैसे होगा, ज्यादा नहीं पार हो जाओगे। आगे देखते हैं धन का स्थिति, शनि बाबा बकरी फुल पावर, अति बली वीर्यवान मस्त। तो जिसका संपद नक्षत्र, नक्षत्रफल नहीं बता रहा हूँ, इस बार टाइम नहीं हो रहा है, बड़ा बिजी था इस बार, शेड्यूल वेड्यूल टेढ़ा मेढ़ा चल गया है, तो नक्षत्रफल किसी और दिन देख लेंगे क्या रहेगा, किस नक्षत्र को क्या मिलने वाला है वो नहीं बोल पा रहा हूँ, हर महीना देता हूँ, इस महीना दे नहीं पा रहा हूँ, वो उतना टाइम भी नहीं है। अभी देखो 30 तारीख को मैं निकाल रहा हूँ राशिफल का, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, 15 तारीख को लोग छोड़ चुके हैं, मैं पीछे कर, मुझे भी पता है मेरे दुकान में कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता है, तो मैं अपना दुकान का मेन बिजनेस, मेन माल बेच देता हूँ, बाकी माल को दुकान को मॉल खुले हैं तो सभी राशि का देना पड़ेगा, बाकी राशि कोई देखता नहीं है, मकरू यहाँ देखता है, इसीलिए बाकी राशि को लिए अलग अलग चैनल खोल दिया अब, तो डोंट टेंशन, चलता है अपना, लास्ट में देने से भी मुझे पता है मेरा कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला है, मेरे को ही सुनेगा मेरा कस्टमर कहीं जाने वाला, जाएगा भी घूम फिर के, बोला आचार्य संजय क्या बोल रहे हैं थोड़ा सुनते हैं, खुल काल के देख लेगा, ये वीडियो फेल नहीं होने वाला, सेटिंग करेगा सटाक, डोंट वरी। आज के आगे चलते हैं, धन का बात बता दिया, धन के घर में बकरी होने के कारण ये श्रवणा नक्षत्र धनिष्ठा का संपद में है, मिल जाएगा, श्रवणा का विपद में है नहीं, थोड़ा सा ब्लॉक कर जाएगा, उसके बाद का थोड़ा सा जन्म संपद विपद क्षमा में है, चले बुल रहेगा। इस क्षेत्र में एनर्जी बड़ा अच्छा बिल्डअप नहीं दिख रहा है, लेकिन बकरी है तो बहुत सारों का किसी किसी का स्लो डाउन हो गया होगा, किसी जाने का रुक रहा गया होगा, किसी किसी का थोड़ा सा पुराना साढ़े साथी का जो इम्पैक्ट था मन में पड़ा रहना, बैठा है सोच रहा है, एक बार इच्छा नहीं हो रहा है, फिर से लग्न चेंज हो गया, मोड़ दिया, इसलिए हर दिन लग्न फल बोलता हूँ, जहाँ लग्न फल आया तो फिर टेंशन आ जाएगा, एकदम बढ़ के आगे बढ़ जाएगा, ये रहेगा। लेकिन इस महीना जिसका भी इस समय शनि में चंद्रमा का अंतर्दशा चलता रहेगा, शनि में सूर्य का अंतर्दशा अगर चल रहा है, यू जस्ट नॉट एबल टू मैच योर डेली लाइफ और मेंटेन योर डेली लाइफ, इट विल, इट विल, ये इनके लिए प्रॉब्लम रहेगा, बाकी लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगा। शनि महादशा में राहु का अंतर्दशा रहेगा इस समय मकरू वालों का, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अति उग्र दे देगा कंडीशन के, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। तो शनि चंद्रमा, शनि सूर्य का अंतर्दशा, अंतर्दशा प्रॉब्लम, लग्न बता दिया इनका प्रॉब्लम, बाकी लोगों का थोड़ा रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा। आगे तृतीय स्थान राहु टनटना के बैठा है, तेरी एकदम जमा के एकदम, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये घर भी छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी कम्युनिकेशन और निकट स्थान यात्रा पावर हाउस पावर बैंक बम बम, चिंता का कोई विषय नहीं, जाओ आगे ही आगे बढ़िया है। अरे यार मैं तो कहूँगा कि मकरू के लिए जो ग्रह गोचर स्थिति सितंबर से बन रहा है ना, शायद ही कोई मकरू अपने जिंदगी भर में ऐसा प्लानिटरी पोजिशन पाया होगा, मस्त टॉप
इससे बढ़िया हो नहीं सकता। द्वितीय का शनि, तृतीय के और बकरी मार्गी फुलवरी, तृतीय में राहु, चतुर्थ में भी शनि कंट्रोल में रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, और चतुर्थाधिपति अपने से तृतीय में, पंचम में गुरु बृहस्पति, मंगल छठा में, केतु भाग्य के घर में बढ़िया है गुरु के दृष्टि में, मंगल मंगल का दृष्टि थोड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर है, एकादश में फुल पावर, चार चार ग्रहों का दृष्टि। अब बताओ यार क्या चाहिए, बढ़िया हो गया ना, मस्त हो गया ना, सॉलिड हो गया ना, गुड हो गया ना, जिंदाबाद, हाँ दशरथ माझी, हाँ जिंदाबाद, तो ये ठीक है। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ स्थान, शनि का दृष्टि है, बकरी अवस्था में है, मंगल अपने से तृतीय में, थोड़ा माँ का बीमारी दिख सकता है, उतना ज़्यादा नहीं। घर जमीन बाड़ी इत्यादि काम करोगे, करते रहोगे, फिर भी कोई ना कोई गलती होगा, थोड़ा नुकसान हो जाएगा, शनि का दृष्टि अपने से तृतीय में गया है, कुंडली में अगर जो ग्रह दुश्मनी अवस्था में है, पकड़ लो आपका बाप, तो आपको डिस्टर्ब करने लग जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी थोड़ा नुकसान दिख रहा है, लेकिन वो मिनिमम। आगे चलते हैं, पंचम स्थान गुरु बृहस्पति, द्वादशाधिपति के संतान में खर्चा, संतान का खर्चा, संतान से खर्चा, गुरु बृहस्पति मंगल छोड़ के भाग गया, गुरु बृहस्पति पंचम में, पंचमाधिपति तो भी नीचे नीचे वाले ऐसे नीचस्थ योग गोचर से अपने घर के ओर जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं कहेंगे, शुक्र थोड़ा टेंचवाएगा तो गुरु बृहस्पति कुछ अच्छा देगा, लेकिन शुक्र यहाँ बकरी मार्गी के कंडीशन पे जा रहा है तो प्रिलिमिनरी फल भी करेगा। जो कुछ पूछ रहे थे कि गुरु कब तक अच्छा फल देगा, ये लोग अब देगा, दो राय नहीं है, जिनको नहीं दिया है, देना है तो बहुत लोगों को दे दिया है, ज्ञान वन वृद्धि करके महापंडित बना दिया है, समझदारी भी बढ़ा दिया है, आपको पता नहीं चलेगा अलग बात है, आप लोग ज़्यादा बहुत दिन से मेरे से रहते, लेकिन दे चुका है और आगे चल के और भी देगा। छठा में मंगल, खाना वचन में लिखा है ष्ठे मंगल जहारो की आनंद होता हरो, तो छठा मंगल का फायदा नहीं, उसके ऊपर बड़े बड़े वीडियो दिए हूँ, रिपीट करने का कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से कह रहा हूँ कि मंगल यहाँ बैठा है तो माँ बगला मुखी को पकड़ो, सब रोग रूप ऋण हटा देंगे, ऋण बाधा धन प्राप्ति में समस्या है तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, शत्रु बाधा में है तो वहाँ काली, लेकिन मंगल के लिए बेस्ट, यहाँ पर रिजल्ट चाहते हो तो माँ बगला मुखी, और पैसा तो ललिता और ललिता सहस्रनाम। शत्रु इत्यादि अगर ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं तो फिर वो अलग विषय है, अभी यहाँ छोड़ दो, इसको बोलना नहीं चाहिए, वो थोड़ा सीक्रेट बात है, शत्रु बाधा पीड़ा, कोई जमीन जायदाद, घर जमीन मकान अगर चतुर्थ का मंगल ले लिया, आपके हाथ से जमीन वमीन चला गया है, मिलते हुए संपत्ति रुक गया है, या किसी और के हाथ में चला गया है, इसका परेशानी लग रहा है, बताना पर्सनली, बता दूंगा दो मंत्र, खट कर देगा एकदम, हिसाब निकास जीरो जीरो कर देगा। दाम्पत्य जीवन ब्लॉक्ड है भाई, सप्तम सप्तमाधिपति, सप्तम अनोट साधिपति, सप्तम पीछे मंगल आगे सूर्य, 18 तारीख के बाद खुलेगा, पार्टनरशिप व्यवसाय दाम्पत्य जीवन डिस्टेंस यात्रा और पार्टनर, ये सप्तम आपके जो स्थिति है ये जब तक नहीं खुलता इसे आशा मत करो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वाद विवाद और एक प्रकार का मानसिक लेवल पे क्लोज, मतलब एक प्रकार का विकृति कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में दिखाई देगा, लेकिन उतना ज़्यादा बाधा विघ्न नहीं आने वाला है। चंद्र अष्टम हो जाएगा तब थोड़ा सा अभी घुसने वाले हैं ना, अभी तो चंद्रमा आज चल रहा है तो महीना का प्रारंभ ही अष्टम में हो रहा है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा, लेकिन मैनेजरल ट्रबुलेंस मात्र रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं। अमावस्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए, ढाई तीन दिन के लिए प्रॉब्लमेबल रहेगा, फिर क्रॉस कर जाएगा। भाग्य का स्थान बात करें, गुरु का दृष्टि मंगल का दृष्टि, पिता का स्थान प्रॉब्लम रहेगा लेकिन गुरु का दृष्टि बचा देगा, चिंता का कोई बात नहीं है। कर्म क्षेत्र का कर्माधिपति अपने से द्वादश से अपने घर के ओर, घर में घुसने के बाद ठीक ठाक कर देगा, कर्म क्षेत्र में थोड़ा परेशानी दिखाई दे रहा है, कर्म में क्षेत्र में लॉस, ट्रांसफर, अननेसेसरी वर्कलोड, आपको कभी कभार लग सकता है कि मेरे को बिना फालतू का काम दिया जा रहा है, जो काम मेरा नहीं है वही काम में रगड़ घसट दिया जा रहा है, कभी कभार ऐसा लगेगा कि मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक, कभी कभार आपके ऊपर हिंसक प्रवृत्ति, कभी कभार आपके ऊपर एक प्रकार का लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, अहंकार थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन आप सब हजम कर लोगे, संभाल लोगे और बढ़िया से पार हो जाओगे, ये कंडीशन ठीक है। लाभ स्थान में
गुरु बृहस्पति का दृष्टि मंगल का दृष्टि स्वगृही, लेकिन राहु और शनि का दृष्टि मित्र दृष्टि मिश्र दृष्टि यहां पर होने के कारण थोड़ा तो वो फ्लो नहीं मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो मैं कहूँगा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चलिए, शॉर्ट टर्म में अभी मत चलिए। द्वादशाधिपति इस छठा में अपने घर को देख रहा है, इसलिए खर्चा में कंट्रोल 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 सेठी कंट्रोल, हाँ ये जरूरी है। है विपरीत राजयोग टाइप इफेक्ट, है विपरीत राजयोग टाइप इफेक्ट है क्या? कैसे होगा? अपने से छठा में गया है, अपने से आपसे नहीं आपसे पंचम में गया है, तो दृष्टि लाभ स्थान में है, आपके घर में नहीं है, इसलिए बोला कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बोला क्यों? जब भी प्लैनेट अपने से छठा में चला जाता है ऐसा बनता है राजयोग जैसा, लेकिन फल अनकंट्रोल करता है। आपसे छठा में नहीं गया, आपसे पंचम में गया है, तो क्या होगा? किसी ना किसी बड़े गुरु बड़ा भाई बड़ा इत्यादि के माध्यम से नुकसान, कुछ हद तक हॉस्पिटल के तरफ चक्कर, संतान या फिर किसी ना किसी पक्ष से बच्चों के क्षेत्र में, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, और बाकी बता दिया जो लग्न उनके लिए थोड़ा सा पीड़ादायक रह सकता है। तो ये था सितंबर का बेसिक एनालिसिस, क्या देने वाला है। कोशिश करूंगा मकर का नक्षत्र फल भी निकाल देने के लिए। और प्यारे मकरू, आप सबको मेरा अनुरोध है ज्योतिष साधना के लिए, शिक्षा मत बोलो, 5-9 रुपया में शिक्षा अवेलेबल है, यूट्यूब में बड़ा सारा वीडियो पड़े हुए हैं, शिक्षा क्या नहीं, साधना के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो लोग आओगे सुबह 3 बजे से उठा के प्रोग्राम कराऊंगा, सुबह 3 बजे से लेके 9 बजे तक आपका प्रोग्राम रहेगा, दिन भर आपको साधना करना पड़ेगा। और जिनका अभी भी आर्थिक स्थिति बिजनेस इत्यादि नहीं चल रहा है, या कोई यूट्यूब से कमाना चाहते हो, या ब्लॉग राइटिंग में कमाना चाहते हो, ट्रेनिंग वर्निंग तो बहुत सारे अवेलेबल है, तो और कृषि क्षेत्र में कमाना चाहती हो क्योंकि आने वाला समय कृषि का है, तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिए, क्योंकि मेरा बहुत सारा चैनल अभी 1K पार हो गया है, मोनेटाइज होने के कगार पे है, और मेरे ऊपर इनकम टैक्स का बड़ा भारी है, और अकेले संभाल भी नहीं पा रहा हूँ, तो अकेले इतना सारा संभालना मुश्किल है कहीं पर, क्योंकि चैनल ग्रो कर रहा है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, बनाना तो बना दिया लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे कोई सुहृद व्यक्ति हैं, साथ में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो अपना इंटरव्यू वगैरह, अपना डिटेल्ड बायोडाटा वगैरह आप दे सकते हो, मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में, यूट्यूब और ब्लॉग राइटिंग सेक्टर में, और हमारे बाकी जो स्वावलंबन क्षेत्र में। धन्यवाद, नमस्कार।